इस वीडियो में आप देखने वाले हो 12,000 मिली एम्पावर पावर बैंक जो एक पुराना लैपटॉप के बैटरी से बने हुए हैं। इस पावर बैंक एक साथ दो फोन को चार्ज कर सकते हैं और आप 3,000 मिली एम्पावर बैटरी के फोन 5 टाइम चार्ज कर सकते हो। इसमें बैटरी ब्लास्ट फीचर भी है, आपके पावर बैंक की बैटरी अगर हीट हो जाए तो ये ऑटो शट डाउन हो जाएगा। दिखने में तो यह ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्या आप ये खुद बनाना चाहते हो? तो वीडियो का आखिर तक देखते रहिए। मैंने एक पुराना लैपटॉप का बैटरी यूज़ किया इस प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 11.1 वोल्ट और ये 4000 मिली एम्पावर का बैटरी है। ओके, अब मैं इस बैटरी को खोलने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें 6 सेल है, एक एक सेल 2000 मिली एम्पावर का है। इवन इसमें 2 बैटरी एक साथ पैरेलल में है, इसका मतलब 2 बैटरी एक साथ 4000 मिली एम्पावर हो रहा है जो 3 सेल में डिवाइड है। और एक एक सेल को चार्ज करने के लिए यहाँ बैलेंस चार्जर यूज़ किया हुआ है। और यहाँ इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा एक हीट सेंसर जो बैटरी कितना हीट हो रहा है वो मॉनिटर करता है। अगर मुझे 12,000 मिली एम्पावर बनाना है तो इस 6 सेल को पैरेलल में जोड़ना होगा। 2,000 मिली एम्पावर इंटू 6 इक्वल टू 12,000 मिली एम्पावर बैटरी। ओके, बैटरी के साथ जो एक्स्ट्रा वायर है उसको काट देना है और एक एक सेल को मिडिल से डिवाइड कर लेंगे और फाइनली मैं इसको पैरेलल में सोल्डर कर देंगे। ओके, अब एक प्रॉब्लम है, ये 12,000 मिली एम्पावर बैटरी तो है बट वोल्ट इसमें 3.7 है और फोन चार्ज करने के लिए मुझे 5 वोल्ट चाहिए। सो मैंने यहाँ यूज़ किया है एक बूस्ट कन्वर्टर। इसमें आप 12 से 30 वोल्ट तक बूस्ट कर सकते हो। मैं इसमें 12 वोल्ट सेट कर लेता हूँ और 5 वोल्ट रेगुलेट करने के लिए मैंने 7805 यूज़ करेंगे। ओके, आप क्वेश्चन है बैटरी को मैं कैसे चार्ज करूँगा। ये एक लिथियम बैटरी चार्जर है बट ये 12,000 मिली एम्पावर बैटरी को चार्ज करने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए मैं इस लिथियम बैटरी चार्जर की पावर को बढ़ाने के लिए मैं एक ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ। ये ट्रांजिस्टर कैसे इस पोजिशन में वर्क करने वाला है इसको जानने से पहले लिथियम चार्जर कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। मैं मेरा पावर सप्लाई में 12 वोल्ट में सेट कर लेता हूँ और इसका दो टर्मिनल 57 ओम रेजिस्टर में लगा देंगे। और देखिए 0.048 एम्प लोड ले रहा है, समझ लो ये लो बैटरी कंडीशन में है। ओके, फिर से मैं 330 ओम रेजिस्टर लगाया और आप देख सकते हो यह 0.13 एम्प लोड ले रहा है। ये लिथियम चार्जर कितना बैटरी लोड ले रहा है वो फॉलो करता है और इसमें से स्क्वायर सिग्नल भी निकलता है जो बैटरी को ठीक से प्रोटेक्ट कर सके। इस लिथियम चार्जर के आउटपुट में एक ट्रांजिस्टर से वोल्ट को ड्राइव कर देंगे जिससे लिथियम चार्जर खराब नहीं होगा। और बैटरी का लोड क्या है वो लिथियम चार्जर मॉनिटर कर पाए इसलिए एक शॉटकी डायोड यूज करेंगे जो चार्जर को फीडबैक देंगे। मैं एक वेरोबोर्ड ले लूँगा मेरे ज़रूरत के हिसाब से, इसमें सारे कंपोनेंट लगा देंगे।
अब मैं बताऊंगा कैसे आप बैटरी को टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। हीट सेंसर इस बैटरी के बोर्ड से निकाल लेंगे और बैटरी के बीच में लगा देंगे। हीट सेंसर कैसे काम करता है वो सारे जानकारी के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें इस हीट सेंसर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है। ओके, आप देखिए ये हीट सेंसर कैसे काम करता है। बैटरी को आप मैं बोर्ड में सेट कर देंगे। अब इसको मैं चार्ज देने वाला हूँ 2 घंटे बाद। ये देखिए ये फुल चार्ज हो गया है और मैं अपने फोन को चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। देखिए ये फोन चार्ज हो रहा है। मैं ऐसे ही सच वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए।